नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने जो बैठे हैं इनको परिचय देना मतलब मोहताज नहीं है, सब जानते हैं कि राजस्थान पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज आपके सामने जो है कमल कनवारिया जी आए हैं, इनसे कुछ जो आपके डिमांड्स जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एग्ज़ाम डेट कब होगी, एग्ज़ाम फॉर्म कब आ रहे हैं, इसमें वैकेंसी में पद कब बढ़े, कितने बढ़े हैं, क्यों नहीं बढ़े हैं, वर्गीकरण गलत किया गया है, सही किया गया है, इन सब के बारे में दोस्तों आज अपन बात करेंगे। जो भी आपके दोस्तों क्वेश्चंस हैं, जो इतने दिन आप क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे, जो भी फ़ोन करके जो स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त हैं, तो उन सभी दोस्तों के आज क्वेश्चंस कमल कनवारिया जी उनके सभी जवाब देंगे। तो दोस्तों कमल कनवारिया जी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कनवारिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान। आज जो डायरेक्टर हैं सिल्वर लाइन के श्री मुकेश जी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, सबसे पहले इन सभी का धन्यवाद जो आज इन्होंने मेरे को इतना सम्मान देके यहाँ अपने संस्थान में बुलाया है। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपके सभी सवाल का जवाब देने के लिए। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे वीडियो के माध्यम से बताइए। अभी सर ने कुछ सवाल में से पूछे, मैं एक से लेकर शुरू से लेकर अंत तक उनके जवाब दूंगा। आप बैठे रहें, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जो सबसे पहले मैं कमल कनवारिया जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो पुस्तकालय भर्ती 2018 है, इस भर्ती में जो अभी वर्तमान समय में वापस फॉर्म रीओपन है, इस भर्ती में कौन कौन बैठ सकता है? सबसे पहला सर क्या बताना चाहोगे इसके बारे में आप? सबसे पहले जो पुस्तकालय भर्ती है उनको हार्दिक शुभकामनाएँ। इस जो पुस्तकालय भर्ती है इसमें जो बंदा जिसने सीलिप, डीलिप, बीलिप और एमलिप, ये चारों जो अपन अहर्ता है जो पूर्ण कर चुका है वो बैठ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के जो क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर जैसे कि कल परीक्षा है और मैं अपेयरिंग हूँ, मैं फार्म भर सकता हूँ क्या? आप फार्म भर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम डेट तक, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है, आज दिन तक आपकी डिग्री पूर्ण होनी चाहिए, तब आपको मतलब ओके माना जाएगा। अगर आप डिग्री पूरी नहीं करते हो, आप पास भी हो जाते हो, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, उस दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको उसमें विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है जिस दिन तक एग्ज़ाम लगे उस दिन आपकी डिग्री पूर्ण होना आवश्यक है। इसमें उम्र की सीमा, अंतिम सीमा 40 वर्ष है और कम से कम 18 वर्ष है। जो 35 वर्ष है वो जनरल के लिए है और 5 साल की अंतिम जो छूट है SST को दी गई है। सर जो पुस्तकालय अध्यक्ष की अभी जो पोस्ट हैं, एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन हुए हैं, तो अब इसकी एग्ज़ाम की संभावित डेट क्या है या एग्ज़ाम कब तक संभावित है होने का, इसका क्या मतलब, इसके बारे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये जो पर्सन है, मैं भी मानता हूँ बेरोजगारी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। लगभग दो साल से ये क्वेश्चन चारों ओर घूम रहा है, पूरा राजस्थान इस बात से परेशान है, लाखों बेरोजगार जो परेशान है, आज जो कोचिंगों का खर्चा वो बहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बेरोजगार भाई है। रियल में मैं दिल से दुखी हूँ इस बात के लिए कि वो लोग खर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे कमरा लेके दो साल से रह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? लेकिन दोस्तों मैंने जो शुरू से भी आपको बताया था, 3-4 बार ये डेट पोस्टपोन हो चुकी है और आज अंतिम में जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मेरे पास की डेट की जो खबर है मेरे पास पहुंच चुकी है, लेकिन मैं इस डेट के बारे में अभी आपको नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ निजी कारण है जिसकी वजह से मैं आपको अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, जिसका फायदा दूसरे लोग उठा लें, इसलिए मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको इस भर्ती के बारे में थोड़ी सी जो चीज़ है, जो परीक्षा देती है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो डेट है वो जो व्याख्याता भर्ती है उसके आसपास की डेट है, डेट्स अनाउंसमेंट मैं अभी नहीं कर सकता हूं, आपको 2 या 3 दिन बाद में मैं अनाउंसमेंट करूंगा और ज़रूर करूंगा। आप अपनी तैयारी रखो, जारी रखो, आपके पास आज से फिक्स 2-2.5 महीने हैं, उसको टारगेट मान के आप तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी में बिल्कुल सही डेट है। आप कहोगे कि सर वो पहले भी डेट जो है वो पता नहीं किस प्रकार से गई, वो डेट बिल्कुल सही थी लेकिन कुछ कारणों से वो रह गई, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ वो डेट बिल्कुल सही है और वो जल्द आने वाली है, जिसकी सूचना मैं आपको जल्द दे दूँगा। सर ये एक बात और है कि जैसे जो वैकेंसी है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती अभी जुलाई 2019 में हो रही थी, इसको कैंसिल किया गया था जून 2019 में, फिर उसके बाद में इसमें बताया गया था इसमें कुछ पद बढ़ के भी आएंगे, वर्गीकरण भी किया जाएगा, और जो पद बढ़ के आएंगे उनमें लमसम 100-150 तक पद बढ़ के आएंगे, लेकिन फिर भी इसमें पद बढ़ के नहीं आए, और जो वर्गीकरण किया गया है वो भी सुनने में आ रहा है ठीक नहीं किया गया, स्टूडेंट्स ज़्यादातर परेशान हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या करना चाहोगे? मुकेश जी मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद भी दुखी हूँ। मैंने वीडियो लॉन्च किया था
और छात्रों, बेरोजगार छात्रों को मैंने संदेश दिया था कि जो वर्गीकरण हमने भी माना था, हमने कभी 1100-1200 पोस्ट कभी नहीं बताई होगी आपको, कभी मेरा मैसेज पढ़ लो, आपने कभी 1100-1200 पोस्ट नहीं बताई। मैंने ये कहा था ESW गुर्जर आरक्षण और विकलांग आरक्षण बढ़ने के मामले में 10 या 20 पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने ये पोस्टें नहीं बढ़ाई। ये बेरोजगार साथ वाक्य में अन्याय है, मैं मानता हूँ। ये जो वर्गीकरण हुआ है वो भी गलत हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने देखा विकलांग जो आरक्षण है वो 4% दिया है इन्होंने, और वो जो अगर आरक्षण अपन उसका अपन ढंग से करते हैं ना, वो 7% आरक्षण के हिसाब से उनको वो पद दिए हैं। बाकी आप ESW आरक्षण देखो, उनको 10% दिए हैं लेकिन उनकी पोस्ट कम है। और जनरल के जो अभी नॉन TSP के जनरल के जो पद हैं, वो जो 8 या 7 पद थे वो TSP में चले गए, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। मैंने प्रशासन है कर्मचारी चयन बोर्ड का, उनको अवगत कराने के लिए मैंने मेरा लेटर भेज दिया है, और उस लेटर के माध्यम से मैंने ये लिखा है कि साहब जो वर्गीकरण हुआ है वाकई में गलत हुआ है। कुछ लोगों को मेरे पास फोन आए कि साहब कोर्ट जाना पड़ेगा, मैंने उनको ये संदेश दिया भाई राइट है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन भर्ती नहीं रुकनी चाहिए, वर्गीकरण के मामले में आ जा सकते हो, और जो एग्ज़ाम डेट है और जो एग्ज़ाम फॉरम है उसका उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस प्रकार से जाओ। तो उन्होंने कहा कि सर हम इसी प्रकार से आए, मैंने उनको कहा कि सही तरीके से चलो जिससे ये भर्ती अटके नहीं, क्योंकि 2 साल से लगातार जो बेरोजगार भाई हैं, जो दो साल से लगातार परेशान हो रहे हैं, वो फिर गर्त में चले जाएंगे और गलत चले जाएंगे। मतलब जैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कोर्ट जाएंगी, तो अगर स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं तो उन पर लगता है कि एक वैकेंसी मतलब डिले हो सकती है, एग्जाम डेट थोड़ी लेट हो सकती है। देखो एक कोर्ट है ये सबसे बड़ा राइट है, आज स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र तरीके से लड़ने के लिए कोर्ट होता है। हो सकता है कि कोर्ट जाने से उनको बहुत न्याय मिलता हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो अभी एग्जाम की जो डेट है इस पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ना। लेकिन प्रभाव कहाँ पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा जैसे कि मैंने आज आपको डेट घोषित करके बताई भाई ये डेट होने वाली है, उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट वहाँ रोक लगाए इसलिए लगाएगा तो डेट तो पोस्टपोन होने वाली है। अच्छा, तो इस चक्कर में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये जैसे सर अभी जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की RPSC के द्वारा जो 12 पोस्ट निकाली गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे बता रहे थे कि 1100-1100 पोस्टें खाली है, और जो सोशल मीडिया भी चल रहा था वायरल हो रही थी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और उसमें 1100-1100 पोस्ट आई है, लेकिन जब ये पिटारा खुला भर्ती का तो इसमें 12 पोस्ट निकल के आई है, तो इसमें क्या मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं सीरियल लाइन कोचिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये 12 पोस्ट जो आई है ये सार्वजनिक पुस्तकालय की है, भाषा पुस्तकालय विभाग जो सार्वजनिक विभाग है उसकी आई है, ये माध्यमिक विभाग जो स्कूल विभाग है उसकी नहीं आई है। उसकी लगभग न करते हुए 800 से 900 पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हुई है। वो जो मेन समस्या है वहाँ पे DPC जो मेन समस्या उभर के आ रही है, क्योंकि जो पुराने लोग जो 94 से ये DPC नहीं हुई है, ये 94 से जब DPC बंद पड़ी है तब से ये पद जो पदोन्नति के कारण बंद पड़े हुए हैं, जिस वजह से ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये जो 12 पोस्ट आई हैं इसके लिए मैंने कहा कि सब सार्वजनिक पुस्तकालय में काफ़ी जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, और इसके बावजूद आप 12 पद, तो जो इनके अध्यक्ष हैं जो अपने जयपुर ग्रामीण के जो कांग्रेस में अपने पार्टिसिपेटेड हैं राजेंद्र जी यादव हैं, उनको हमने अवगत करवाया है, उसमें हमने ये कहा कि साहब 12 पोस्ट है, तो उन्होंने हमारी सहमति जताई है। उस सहमति के अंदर उन्होंने जो अपना जो किया है, उन्होंने मीटिंग की है, उसमें उन्होंने पढ़ाने के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जो मेरे पास मैंने आपको ग्रुप में भी डाला भी था, मैंने यूट्यूब पर भी डाला था, जिसमें मैंने ये कहा था कि उन्होंने निम्न प्रकार से बातें की है और बढ़ाने के लिए संकेत भी दिए हैं, और ये जो पोस्ट लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग 10-15-20 पोस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर माध्यमिक शिक्षा की आएगी ना तो फिर भर्ती का सेकंड ग्रेड का पिटारा खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अभी भी उलझी भर्ती हुई है, और गत जो पिछली सरकार है उसने लगभग 152 पोस्ट के लगभग स्वीकृति दी थी, और कुछ पोस्ट और भी बढ़ने वाली थी, लेकिन अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलेगा, वो भी अटकी हुई है। अच्छा, और उसमें कुछ एजुकेशन का भी विवाद है, जैसे कि उसमें नेट मांग रहे हैं, तो लड़के कहते हैं एमलिप चाहिए, तो हायर एजुकेशन का भी कुछ कारण हो सकता है, तो डिस्प्यूट मामला चल रहा है, हो जाएगा वो जल्दी से आ जाएगी। अच्छा सर, दूसरी है ये जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात करें जो फर्जी तरीके से डिग्री ला रहे हैं, अपन बोलते हैं कि इलीगल तरीके से डिग्री ला रहे हैं बाहर से, यूनिवर्सिटी तो फर्जी नहीं होती लेकिन बाहर से फिर भी ला रहे हैं, तो उनका क्या संशोधन हुआ, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो मैं सभी बेरोजगार भाई हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, जो आज 2 साल से इस भर्ती को आँख उठा के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, ये जो फर्जी तरीके से डिग्री लाते हैं बहुत बड़ा तमाचा है, ये हमारे राजस्थान के लिए है, UPMP सब जगह से इस प्रकार से डिग्रियां जो आ रही है वो बेरोजगारों के लिए घातक साबित हो रही है। ये डिग्रियां जो है, ये डिग्रियां हैं वो उनके लिए घातक है,
मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी फर्जी कभी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी कभी फर्जी नहीं होती है। उनका जो देने का माध्यम है वो गलत हो सकता है, क्योंकि कई मैंने यूनिवर्सिटी देखी जो बैक डेट में देती है, उनका रजिस्ट्रेशन बैक डेट में करती है, उनको फिर करवाती है, वो तो चलो ठीक है, वो फिर भी निकल जाएगा। लेकिन जो जाली है, जाली लाया है MPUP से, जिसकी मान्यता नहीं है, UGC पे अप्रूव नहीं है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स अप्रूव नहीं है, तो वो ऐसे जो है वो यहाँ तक पास हो जाएंगे, एग्जाम वो दे लेंगे, विज्ञप्ति बढ़ लेंगे, लेकिन जिस दिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे, उस दिन वहाँ पे उनका पता साफ है। बिल्कुल, मतलब लगता है कि मुझे उनको निकाला जाएगा या बैन किया जाएगा डिग्री के, जो उनके लिए देखो सबसे बड़ा सजा का प्रावधान भी है और 6 साल का निलंबित मामला भी है और हमने उनको शिकायत दर्ज करा रखी है। तो मैं ऐसे जो लड़के स्टूडेंट है जो करके आए हैं उनको मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप समझदार भाई हैं, इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि नुकसान आप लोगों को होने वाले। आज पिछली भर्ती में भी कुछ लोग हैं जो बैक डेट से मतलब कैसे डिग्री लाए, उनमें डर बना हुआ है। आज वो जीते हैं तो सोचते हैं, टेंशन बनी हुई रहती है। तो दोस्तों, टेंशन वाली डिग्रियां मत लाओ, अच्छी डिग्री लाओ, चाहे टाइम समय ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री एक नंबर लाओ जिससे आपको आजीवन टेंशन मुक्ति। अच्छा सर, जैसे आपने जैसे अभी जून जुलाई 2019 में ये एग्ज़ाम हो रही थी लेकिन कैंसिल हो गई थी, उस वक्त आपने मुहिम चलाई थी कि निःशुल्क नोट्स होगी, जो निर्धन स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स, उनके लिए नोट्स उपलब्ध भी करवाए थे। अब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आप मतलब आगे भी नोट्स प्रोवाइड करवाना चाहोगे या? सर देखो, मेरी शुरू से मुहिम रही है और शुरू से मैं बेरोजगारी साथ रहा हूँ। आज 2016 की भर्ती है, शायद आप उस टाइम हमारे से नहीं जुड़े हुए थे, आज हमारे पुराने भाई लोग हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे। 2016 की भर्ती हमने कैसे पूरी करवाई थी वो और आप और हम लोग जानते हैं, किस प्रकार से पुलिस के डंडे हमने खाए हैं, कैसे रोडों पे बैठ कर किस प्रकार से हमने ये भर्ती निकलवाई। वेटिंग जारी होने का कोई प्रावधान नहीं था, रीसेप्ल आने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को आडे हाथों लेके हमने ये चीज़ करवाई, ठीक है। वो हमारा संघर्ष था, लेकिन मैं फिर आपको कह देता हूँ कि मैं आज उन जो धनाढ्य हैं, जो पैसों के लिए जीते हैं, जो पैसों के लिए कोचिंग चला रहे हैं और जो धंधा कर लिए इस चीज़ को, मैं उनके साथ खिलाफ हूँ और मैंने ये मुहिम चलाई है और मेरी मुहिम में आप लोग सब साथ हैं। वो ये है कि मैं PDF आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा, मैं निःशुल्क आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आप मेरा साथ, आज जैसे सिविल लाइन कोचिंग वाला है जो मुकेश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इस मुहिम में जब इनसे बात करी, ये इन्होंने एक झटके मेरे आगे कहा कि सर मैं आपके साथ हूँ, तो ये आज सबसे बड़ा उदाहरण ये है जो पहला बंदा मेरे साथ ये जुड़ रहे हैं कि मैं ये कह रहे हैं कि मेरे को कि मैं सर आपके साथ हूँ। दोस्तों, सिविल लाइन जो कोचिंग संस्थान है, ये संस्थान आज निःशुल्क कक्षा देने के लिए मेरे साथ राजी है। आप जिस दिन कहोगे कि सर आपके हमारे कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, जबलपुर, कहीं भी मतलब आउट ऑफ स्टेट भी हम लगवाएं, तो कमल कनावरी आपके साथ है और ये जो सिविल लाइन है, ये मैं कह रहा हूँ, ये जहाँ आप कहोगे वहाँ कोचिंग करने के लिए जाए, निःशुल्क PDF अगर सिविल लाइन की आती है, सबसे पहले ये आप लोग उपलब्ध कराएंगे, मेरे माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अगर आपसे ये अगर पैसे लेते हैं कभी भी आजीवन पैसे लेते हैं, आजीवन तो मतलब ये भर्ती तक की गारंटी मैं लेता हूँ, इसमें कभी आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये आज हमारे साथ जुड़े, मैं इनके एक शर्त पे यहाँ आया, इन्होंने मेरे को कहा मैं आपके साथ हूँ और मैं बंदे को एक बार आंखों से देख लेता हूँ, वो बंदा मेरे साथ है, आज सिविल लाइन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो निःशुल्क रूप से आपको कोचिंग करवाएगा। दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत फंस जाना जो 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार में आप साथ कोचिंग करवा रहा है। पहली बात, वो कोचिंग करवा रहा है, कोचिंग का नाम पर धोखा है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस ऐसा कोर्स है जो कोई पूरा नहीं करा सकता। बिल्कुल सही कहा आप सर, आपने कोई पूरा नहीं करा सकता, और जो करवा रहे हैं मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे बेच के हैं या मेरे जूनियर हैं, हो सके मेरे सीनियर भी होंगे कुछ लोग, पटाने का तरीका और क्या करते हैं सब मेरे को पता है। दोस्तों, बच के रहो, मैं आपको निःशुल्क नोट्स, निःशुल्क खर्चा इस सिविल लाइन के माध्यम से करवा रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर, आप जैसे आपने कहा कि निःशुल्क कक्षाएं, तो निःशुल्क जैसे भी स्टूडेंट्स जो कमेंट्स में डालेंगे कि कौन से संभाग में या कौन से यहाँ पे जिला, राजस्थान जिले में करवाई जाए, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स से कमेंट्स आएंगे उसमें ज़्यादा करवाई जाएगी। तो बिल्कुल सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारी मुहिम में आप एक जो बड़ी संस्था है, जो आप कोचिंग चला रही है, जो पैसों के लिए, मैं देखा है कि लोग पैसों के लिए, लेकिन आपने आज हमारे साथ मिलकर ये कहा कि सर अगर आप निःशुल्क कोचिंग कराना चाहते हैं जो गरीब बच्चों के आप साथ आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हैं? हम पीछे नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज आप कल से स्टार्ट करो, कल हमारे साथ है। दोस्तों, ये साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। जैसे कि सर, हम YouTube पे भी मतलब सिल्वर लाइनिंग क्लासेस के लगभग लाइब्रेरी साइंस के 125 वीडियो आ चुके हैं। ऐसी कोई सी भी मतलब ऐसा कोई सा भी टीचर नहीं है, ऐसी कोई सी कोचिंग नहीं है जिसके लगभग 20 या 30 वीडियो भी आए हैं। तो हमने पहले भी YouTube पे तो मतलब निःशुल्क कक्षाएँ लगा रखी थी, अब जो निःशुल्क कक्षाएँ लगा रहे हैं, ऑफलाइन कक्षाएँ लगा रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को एक संदेश देना चाहोगे आप, उसके बारे में कैसे? बिल्कुल, मैंने जब आपको जानता नहीं था, तो मैंने एक दो बार आपके जो YouTube के जो
मेरे पास आए, मैंने उनको देखा, उनको रीडिंग की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे आप पढ़ाते हो, और फिर आपसे आज मैं मिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वाकई में जो मैं मुहिम लेके चल रहा हूँ उस मुहिम को आप आगे बढ़ाओगे। बिल्कुल सर, बढ़ाएंगे। जैसे आपने जैसे 2 जून 2019 में एग्ज़ाम होती है उससे पहले आप नोट्स भी उपलब्ध कराए थे, तो अब की बार भी हम जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस के आपकी तरफ से नोट्स उपलब्ध कराएंगे, PDF भी उपलब्ध कराएंगे, कुछ टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे और नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे उनके लिए, कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या मतलब लग रहा है कि उनको मतलब कि हम फीस नहीं देना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ जयपुर में भी आके मतलब कोई बोलता है कि हम निर्धन है, कोई BPL में है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पे प्रावधान कर रखा है, बिल्कुल निःशुल्क रखा है BPL में। बिल्कुल, मैंने जब आपसे ये जानकारी ली तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं मुहिम से पहले जब आपसे आपने मेरे को ये कहा कि सर मेरे पहले BPL जो गरीब छात्र है, निर्धन छात्र है, मैं उनको वैसे ही फ्री शिक्षा दे रहा हूँ और आप इस मुहिम के लिए कह रहे हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जो दलाली चल रही है उस दलाली को खत्म करने के मैं आपके साथ हूँ। उसी मुहिम में मैं हूँ कि जो दलाली चल रही है, जो पुस्तकालय को बताया गया है कि पुस्तकालय एक निस्वार्थ सेवा भावना से की जाती है, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय में अगर कोई पाठक की सेवा की जाती है तो निस्वार्थ सेवा भावना से, तो वही निस्वार्थ सेवा भावना रहनी चाहिए कोचिंगों में भी। बिल्कुल नीचे, मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर भी इनको जो स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि माँ बाप के पैसे खर्च मत करो, आप भटको मत रास्ता, और आपको मैं सही दिशा दे रहा हूँ, आपको नोट सही मैं दिला रहा हूँ ना, आपको निःशुल्क कक्षा में दिला रहा हूँ, क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इनका। बिल्कुल सर, आपको मैं लेके जाऊँगा, नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, कौन सा राइटर है उसके मैं अच्छे अच्छे आपको, मैंने ये कहा कि जो मुख्य मुख्य विद्वान है जिनकी किताबें आपकी चलती है उनके नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, फिर आपको दिक्कत कहाँ है, आप क्यों क्यों उनके भटक रहे हो। करवा रही हो भी आप नोट्स, मैं करवा रहा भी रहा हूँ और मैंने करवाए भी हैं, और आप लोग जब हमारे साथ आ गए तो फिर इनको दिक्कत ही नहीं है। जब वीडियो आप आता वायरल हो रहा है, जब सबके सामने हम अपने लोग बातें कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हो क्या सकती है, बताओ। क्या सकती है, बिल्कुल सर। जैसे सर, जैसे अब ये सबसे लास्ट में मतलब जो पुस्तकालय अध्यक्ष जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे, फिर उसके बाद में अपन समाप्त करते हैं इसको, यहीं बातचीत को। सबसे बेरोजगार भाइयों को मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैं पोस्टेड हूँ और पुस्तकालय अध्यक्ष भी हूँ, आप मुझे नेता की तरह देखते हो, मैं नेता भी हूँ तो पुस्तकालय अध्यक्ष भी हूँ और नौकरी लगाऊँ वो भी हूँ, और मैं एक प्रशिक्षित होने के कारण और मेरे को इतना ज्ञान होने के कारण मैं आपको एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, समय सबसे बड़ा बलवान है, समय का ध्यान रखो, और अगर आप कोचिंगों में जाते हो तो ये समय की नुकसान बर्बादी है, कोचिंग में न जाके सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों आपको हम नोट्स कोचिंग और ये सब माध्यम ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं, और आप माइनस मार्किंग, जो मैं सबसे बड़ी बात है, मैंने ये भुगता भी है कि माइनस मार्किंग से कितना बड़ा नुकसान होता है, वो मैंने भुगता है। माइनस मार्किंग सबसे बड़ा ध्यान देना, माइनस मार्किंग चाहे 3-4 पे रिस्क ले लेना, लेकिन दोस्तों 10-20 पे कहीं रिस्क मत ले लेना, 1/3 की माइनस मार्किंग है, जो पास होता हुआ वो फेल हो जाएगा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप उस पर ध्यान देना, जितने आते हैं उतने करो, भगवान के भरोसे छोड़ दो, मेहनत आपकी है, मेहनत आपकी है। जैसे कि सर ने मतलब कमल कनवारिया जी सर ने आपको संदेश दिया है कि जब एग्जाम देने आप जाओ तो सबसे ध्यान देना कि जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 कि आप ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश मत करना है, कि जैसे जो कट ऑफ बता रहे हैं कि इसकी कट ऑफ जाएगी लगभग 75 कट ऑफ जाएगी, 60 कट ऑफ जाएगी, या कहीं बता रहे 85 कट ऑफ जाएगी, तो आप उस पर ध्यान मत देना, आप ध्यान देना कि जो आपने जो आपको जो क्या आता है, आप जो इसे फर्ज मतलब ऐसा मत करना कि आपको मतलब लास्ट में तुक्के भी लगाओ, तो वो संदेश देना चाहते हैं। बताऊँ आपको, 2016 की भर्ती थी, बिल्कुल 2016 की भर्ती में हमारा सेंटर था उदयपुर, हम लोग उदयपुर गए थे एग्जाम देने, रियलिटी बता रहा हूँ, बिलेंड जो एमलिप गोल्ड मेडलिस्ट है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड है वो मेरे साथ रहते हैं, 100% सिलेक्शन, मेरे को पता था कि इन लोगों को तो किताब पूरी आती है और ये लोग सिलेक्शन देंगे 100%, लेकिन वो नहीं हुए सिलेक्ट, नहीं हुए। कारण क्योंकि उन्होंने जो टारगेट था उससे ऊपर किया, इंक्रीज किया, जैसे कि मान लो 150% थे, 150% में 130 बहुत बड़ी बात होती है, 60 हाँ मतलब बहुत ज्यादा स्कोर उन्होंने कर दिया, जैसे माइनस मार्किंग हुई, 1/3 माइनस मार्किंग हुई, 1/3 वो नीचे ले गए, वो उनका नंबर नहीं आया, बहुत बड़ी बात है, गोल्ड मेडलिस्ट नंबर नहीं आया, तो मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, इस पर ध्यान रखिए आप। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपका नाम कमल कनवारिया जी, सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आए और जो आपकी मुहिम है हम उसके साथ आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बेरोजगार भाइयों को राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।